सभी को आशा है कि आप सभी अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट पेज 20 पर। तो एज यू हैव ऑलरेडी सीन रीड द कैप्शन ऑफ माय थंबनेल कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, मैं फिर से बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं अपने NFT आर्ट को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी इसे लॉन्च कर रखा है, बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आपको भी पता चले कि मेरे आर्ट वर्क्स जो है NFT पे भी अवेलेबल। A few moments later, 2,000 years later, 1 eternity later, NFT पर भी अवेलेबल है, जहाँ से आप मेरे उस आर्ट को खरीद सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आइडियाज होंगे कि NFT क्या होता है। NFT एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डिजिटली आर्ट, किसी आर्टिस्ट के आर्ट वर्क्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो NFT आर्ट को ड्रॉ किया है, इसे मैंने ट्रेडिशनल वे में ड्रॉ किया है, जो कलर्स पेपर्स वगैरह होते हैं उस तरह से ड्रॉ किया, एंड देन फाइनली उसे डिजिटली साइट पे लॉन्च किया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बाकी और वीडियो की तरह पसंद आने वाली है। एंड अगर आपको मेरे NFT आर्ट पसंद आते हैं, वैसे मैंने इसके NFT आर्ट के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उसे जाकर चेक कर सकते हैं एंड बाई कर सकते हैं। मैंने NFT के बारे में बहुत टाइम पहले से प्लानिंग की थी, बट आइडियाज़ बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट थैंक्स टू माई कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने हेल्प की, तो थैंक यू। एंड इसी तरह से मैं आपके सामने और भी बहुत सारे NFT आर्ट वर्क्स लेकर आने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़, क्रिएटिव आर्ट वर्क वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आने वाले समय में मैंने NFT से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्लानिंग की है, तो आपको धीरे धीरे वो सब मिलने वाले हैं। फिलहाल अभी मैं सारे आर्टवर्क्स को ट्रेडिशनली कन्वर्ट करूँगी डिजिटल आर्ट में, क्योंकि अभी मेरे पास वैसे इक्विपमेंट्स है नहीं जिससे कि मैं डायरेक्टली डिजिटल आर्ट बना पाऊँ, बट वेरी सून मैं वो भी डिजिटल आर्ट भी करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो बिना देर किए हम आज के इस वीडियो पे बढ़ते हैं। मैंने पहले से ही अपना स्केच रेडी रखा है। इस स्केच को रेडी करने में थोड़ा टाइम लगा, बट फाइनली मैं इस स्केच को बनाने में सक्सेसफुल रही। एंड ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है जब आप खुद से कुछ क्रिएट करते हो, उसमें कई बार गलत, सही, इतनी बार चीज़ों को रिजेक्ट करना, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपको फाइनल आपको रिज़ल्ट मिलता है, तो वो अलग लेवल की खुशी होती है। तो यहाँ भी मेरे साथ इस प्रोसेस में वही हुआ, एंड फाइनली उस एंड प्रोसेस को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड इस पेंटिंग के कंप्लीट होने के बाद, आप इसे वैसे पूरा देखिएगा, इसे कंप्लीट होने के बाद मैं इसे थोड़ा सा एडिट करूँगी एंड देन इसे साइट पर लॉन्च कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें एंड अपना रिस्पॉन्स बताएं कि आपको ये NFT आर्टवर्क कैसा लगा। वैसे मैंने इस कैरेक्टर का नाम रैंडॉल्फ रखा है और साइट पर भी मैंने इसे रैंडॉल्फ नाम से अपडेट किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाएँ और इस क्यूट से रैंडॉल्फ को विज़िट करें। एंड प्लीज़ इफ़ यू वांट टू बाय देन गो अहेड। सिमिलरली मैं बाकी NFT आर्टवर्क्स के प्रोसेस वीडियो को भी आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर अभी आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारे और भी क्रिएटिव आर्टवर्क देखने को मिलने वाले हैं। एंड एक बार आप मेरे चैनल पर जाओ एंड वहाँ आपको आर्ट से रिलेटेड हर तरह के इंफॉर्मेशन वीडियोज़ मिलेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब with your friends and family and enjoy this process.
एंड हियर इज़ द फाइनल वर्क एंड हमारा क्यूट सा रैंड आउट रेडी है. आप इसे साइट पर भी विजिट कर सकते हैं एंड इफ़ यू वांट टू बाय प्लीज़. एंड मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट आर्ट वर्क वीडियो में. और इसके थोड़े से एडिटेड वर्जन को मैंने अपडेट किया हुआ है साइट पर, तो प्लीज़ एक बार आप वहाँ जाएँ. आई एम रिक्वेस्टिंग यू. टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग.